नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। दीपक प्रकाश बड़े स्टार प्रचारक, बिहार में संभालेंगे मोर्चा। भाजपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, झारखंड से इकलौते नेता जिन्हें मिली जिम्मेदारी। होली पर गोतिया भाई को पहले गोली मारी फिर गला रेता, प्लामो में आपसी विवाद में की हत्या, झगड़े के बाद मर्डर की प्लानिंग की थी। झारखंड के रांची में 29 को प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के हैं आसार, ईडी गठबंधन में अभी तक नहीं उतारे उम्मीदवार, साझा कार्यक्रम में जारी हो सकते हैं नाम। झारखंड में गर्मी ने दी दस्तक, रांची समेत कई जिलों का तापमान 31 डिग्री के पार, 30 मार्च से बदलेगा मौसम, बारिश की है संभावना। चौपारण थाना से 26 किलोमीटर दूर अति उग्रवाद प्रभावित झारखंड बिहार की सीमा पर नदी नालों और जंगल पठार के बीच टापू के रूप में बसा बगहर में 70,000 रुपए के जवा महुआ और 350 लीटर शराब बरामद, बगहर में पुलिस की हुई कार्रवाई, ड्रोन से हुई लोकेशन की पहचान, सैकड़ों लीटर शराब किया नष्ट। बोकारो के जेना मोड़ में दो बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर, सड़क क्रॉस कर रहे अपाची बाइक सवार का बेकाबू एवेंजर बाइक से हुई भिड़ंत, दो की हालत गंभीर। बोकारो में बगियारी मोड़ के पास सड़क में पुलिया निर्माण के लिए बने डायवर्सन के सामने तेज रफ्तार से आ रहे सूदी निवासी सुजीत कुमार महतो, जिनका उम्र 25 वर्ष की, सड़क हादसे में मंगलवार की रात को मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक को गंभीर चोटें आई जिसका इलाज बोकारो में चल रहा है। बोकारो जिला अंतर्गत कैलाश नगर चास निवासी हरिहर राम के 38 वर्षीय मंझले पुत्र प्रकाश कुमार राहुल उर्फ डब्लू की दर्दनाक सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हुई मौत। जमशेदपुर लोकसभा सीट में दो बार से ज्यादा नहीं जीता कोई भी नेता, भाजपा जीती तो बनेगा रिकॉर्ड। जमशेदपुर के पूर्वी सिमू में फूड डिलीवरी बॉय से लूट, अपराधियों ने रोड से मारकर किया आदमारा, लूटे पैसे। बोकारो में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, 30 मार्च यानी कि शनिवार को बादल और हल्की बरसात की संभावना। झारखंड के चतरा में पुलिस ने नहीं मनाई होली, जवान की याद में लिया गया फैसला, उग्रवादी हमले में शहीद हो गया था जवान। बोकारो में पुलिस जवान की हत्या, बिहार सरकार में करता था नौकरी, रामनगर कॉलोनी चास में हत्या, एक दुकानदार को हिरासत में लिया। प्लामू में पूर्व कांग्रेसी नेता की गोली मारकर हत्या, पुलिस छानबीन में जुटी। गुमला में हथियार के साथ दो युवक हुआ गिरफ्तार, बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे दोनों। गिरिडीह में एक बाइक हादसे में एक युवक की हुई मौत जबकि दो लोग घायल, जानकारी के अनुसार सभी लोग सब्जी खरीद कर अपने घर वापस आ रहे थे तभी उसकी एक बाइक बांस के पेड़ से जा टकराई। बाबूलाल मरांडी ने INDIA पर कसा तंज, वीडियो शेयर कर बताया बेमेल गठबंधन, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी एक्स पर एक वीडियो साझा किया, वीडियो के ऊपर में लिखा है कि ईडी अलायंस में सिद्धांत और संस्कार की राजनीति नहीं। गुमला में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में एक की हुई मौत, सड़क जाम कर रहे लोगों के साथ पुलिस की हुई झड़प, आप सबको एक बार फिर से बता दो कि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर पहुंची और जाम करने वाले को समझाने का प्रयास किया लेकिन मामला सुलझने की बजाय जामकर्ता और पुलिस के बीच हो गई झड़प। प्लामू में 4 किलो से अधिक गांजे के साथ 26 लाख का टैबलेट हुआ बरामद, पति पत्नी हुआ गिरफ्तार, आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि प्लामू पुलिस ने 4 किलो से अधिक गांजे के साथ 26 लाख का टैबलेट बरामद किया है। इस मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, आरोपी पति का आपराधिक इतिहास पहले से रहा है। प्लामू पुलिस की तत्परता से होली पर यूपी में गांजा खपाने की कोशिश हुआ नाकाम, प्लामू से ओडिशा के 4 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, इनके पास से 50 किलो गांजा बरामद किया गया। वीर शहीद नीलांबर पीताम्बर का शहादत दिवस 28 मार्च को मनाया जाएगा, इसकी तैयारी हुई शुरू, झारखंड में कई कार्यक्रम होंगे, गढ़वा में खरवार आदिवासी एकता संघ ने बैठक कर विचार विमर्श भी किया। पूर्वी सिंहभूम में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 युवक हुआ घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती, सभी युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव से जादूगुड़ा की ओर आ रहे थे तभी कुलडीहा गांव के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक अज्ञात कार ने जोरदार टक्कर मारी। TMS में डॉक्टर के कमरे में लगी आग, मची अफरा तफरी। पूर्वी सिमू में 50 परिवार की प्यास बुझाने वाले जल मीनार ने ले ली 70 साल की सालो हसदा की जान। गठबंधन में दरार, कांग्रेस की विधानसभा में सीटें कम लेकिन लोकसभा निकालने का दिखा रही है दम। गोड्डा में होली की खुशियां मातम में बदली, तालाब में नहाने गए एक ही परिवार के 2 युवक डूबे। लोकसभा चुनाव में ड्यूटी पर रहने वाले भी पोस्टल बैलेट से दे सकेंगे वोट, रांची DO का अब्सेंटी वोटर्स की सूची बनाने का निर्देश। साहिबगंज में होली पार्टी में मर्डर का 24 घंटे के अंदर हुआ खुलासा, हथियार और ऑल्टो कार के साथ आरोपी दोस्त हुआ गिरफ्तार।
रिम्स से फरार अपराधी आदित्यपुरी में बना रहा था हत्या की योजना, पुलिस ने किया गिरफ्तार, पिस्तौल और कारतूस हुआ बरामद। झारखंड के गढ़वा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुआ नाकाम, धूमधाम से स्थापित किया गया शिवलिंग। अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट का किया निरीक्षण, ग्रेडी एसपी ने नक्सल प्रभावित बूथों का लिया जायजा, तैनात अधिकारियों को दिया निर्देश।